नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 टिकट एल्बम का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका सेकंड भाग पढ़ा था और सेकंड भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राजप्पा और नागराजन की एल्बम की चर्चा उनके मित्रों में होती है और उस बीच ही राजप्पा को ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरी एल्बम नागराजन के एल्बम से अच्छी नहीं है, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है और वह बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है और बदले की भावना उसके मन में जाग जाती है। और इसी बीच वह नागराजन के घर जाता है, उसकी एल्बम को खोजता है और वहां से उसकी एल्बम को चुरा लाता है। वह एल्बम को चुरा तो लेता है, लेकिन उसके मन में एक डर, एक भय सा बना रहता है कि कहीं किसी को यह पता चल गया कि इसकी एल्बम नागराजन की एल्बम राजप्पा ने चुराई है, यानी कि मैंने चुराई है, तो फिर क्या होगा। तो यह डर उसका बन रहा है और उसे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, सिर्फ वह घबरा रहा है और चिंता के जो छाया है उसके चेहरे पर देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो आगे का भाग हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक मेरे साथ रीडिंग करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे भी। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। किसका चेहरा? यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? राजप्पा की बात हो रही है कि राजप्पा ने रात को खाना नहीं खाया था, पेट उसका भरा भरा सा हो रहा था, उसके चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे और एक डर उसे सता रहा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया, राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। तो यहाँ पर देखिए, अप्पू एक बार फिर से राजप्पा के पास आ गया है और वह उससे पूछ रहा है कि भाई, हमने सुना है कि कल तुम नागराजन के घर गए थे। तो इसमें राजप्पा की प्रतिक्रिया क्या होती है देखते हैं बच्चों। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, यानी कि राजप्पा घबरा रहा है अप्पू की बातों से और उसका उसकी जो सांसें हैं वो रुकी हुई हैं और बस वह सिर हिलाकर इशारा कर रहा है कि जिसको जैसा सोचना है सोच ले, लेकिन मैंने उसका एल्बम ना तो लिया है और ना ही चुराया है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला, किससे बोल रहा है? राजप्पा से। राजप्पा से वह कह रहा है कि भाई, कामाक्षी ने हमें बताया कि जब हम बाहर शहर गए हुए थे तो तुम घर पर आए थे और केवल तुम ही घर पर थे, घर पर और कोई नहीं था। राजप्पा को समझाते देर नहीं लगी, अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। तो देखिए, यहाँ पर अप्पू उसे बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने कोई हरकत दिखाई है या कुछ उसकी एल्बम को छेड़ा है या ले आए हो तो तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि उसके पापा पुलिस में उसकी खबर देने वाले हैं कि उसकी एल्बम चोरी हो गई है। अगर ऐसी बात है तो वह उसे क्या कर रहा है? बार 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 चेता रहा है। कौन? अप्पू चेता रहा है राजप्पा को। राजप्पा फिर भी चुप रहा, वह अप्पू की बातों को सुन रहा है लेकिन वह चुप है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक झपकने और पुलिस की फौज हाजिर। आपको जैसे आग में घी डाल रहा था। देखिए, आपको जो है यहाँ पर वो घी डालने का काम कर रहा है, कैसे? नागराजन और राजप्पा के बीच वो
क्या कर रहा है, आग में घी डालने वाला काम कर रहा है, बार 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 उसे डरा रहा है कि अगर उसकी एल्बम नहीं मिली तो उसके नागराजन के पापा जो हैं वो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और कंप्लेन करते ही पुलिस आ जाएगी। तो यह खबर सुनकर क्या कर रहा है राजप्पा, भयभीत हो रहा है, डर रहा है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था, राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर आ गया और वह उसी तरह बैठा रहा। देखिए यहाँ पर जो है, राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे और उसने क्या किया, उनके जाते के साथ ही बाहर का किवाड़ बंद कर लिया और फिर से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और बैठे बैठे उसका आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया। तभी बाहर की संकल खटकी। देखिए यहाँ पर बच्चों जो एक शब्द है संकल, संकल को हम कुंडी भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम घर को अगर बंद करें तब भी लगाते हैं और घर का दरवाजा खोले तो तब भी संकल का ही प्रयोग करते हैं। तो खटखटा रहा है कोई बाहर से, पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर संकल लगी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने आकर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता। अम्मा भीतर से चिल्लाई, थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो राजप्पा है उसकी चिंता देखने बनती है, उसके जो वो डर रहा है, तो यह साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह क्या करता है, बाहर से कुंडी कोई खटखटा रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि पुलिस आ गई है उसे पकड़ने के लिए, तो वह नीचे से ऊपर की ओर भागता है एल्बम को लेकर। और एल्बम को उठाकर वह कहाँ छिपा देता है, अलमारी के पीछे छिपा देता है। और उसे अब भी डर बना हुआ है कि अगर पुलिस घर में आ गई और किसी भी कारण से उन्होंने तलाशी ले ली तो यह एल्बम वह जब्त कर लेंगे और मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो यही डर उसका बना हुआ है और लगातार दरवाज़ा कोई बाहर से खटखटा रहा है। तो इसी बीच उनकी माता जी की आवाज़ आती है, अम्मा की आवाज़ आती है राजप्पा के भाई इतनी देर हो गई है, तुमने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला है, तुम्हें दरवाज़ा खोल देना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा आपको नाम में दिक्कत हो रही होगी कि राजप्पा कौन है, नागराजन कौन है, कृष्णन कौन है, कामाक्षी कौन है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इस कहानी को अच्छे से पढ़ना भी होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी तक जो हमने आपको इसके विषय में पढ़ाया है, हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। तो देखिए राजप्पा कहां की ओर भाग रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की दगैची चढ़ा दी, यानी कि अम्मा ने क्या चढ़ा रखी है, जो पतीला होता है, बड़ा सा पतीला होता है, वह पानी का चढ़ा दिया है। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, एल्बम जलने लगा। इतने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निककर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया, नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला,
मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। तो देखें यहाँ पर जो है वो नागराजन आया है, किसके घर आया है, राजप्पा के घर आया है, उसे ढूंढता हुआ आया है। तो उसी बीच उसकी माता जी बोलती हैं कि तुम नहाकर जल्दी से बाहर निकल आओ, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ घर पर आया है। तो राजप्पा नहाने का नाटक करता हुआ क्या करके आया है, वह तौलिया, गीला तौलिया लपेट कर ही बाहर निकल आया है। और नागराजन उससे बोलता है कि यार मेरी एल्बम खो गई है। और नागराजन के चेहरे से बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वह बहुत रोया है, वह बहुत दुखी है अपनी एल्बम खो जाने को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ राजप्पा नागराजन से क्या बोलता है, कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा, यानी कि तुमने अपना एल्बम कहाँ रखा था बताओ। तो नागराजन बोलता है शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब, मैंने तो दराज में रखा था, लेकिन जब मैं शहर से लौटा तो एल्बम गायब मिला। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। देखिए एल्बम खो जाने से नागराजन बहुत ज्यादा दुखी है, वह रो रहा है, लगातार रो रहा है। और उसका रोना देखकर राजप्पा को उस पर दया आ जाती है और उसे वह पुचकारता है, यानी कि उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। वह फपक फपक कर रो रहा है, यानी कि दुख इतना है उसे अपनी एल्बम को खो जाने का कि वह फपक फपक कर रो रहा है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया, एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। देखिए उसे इतनी अपनी गलती पर इतना शर्मिंदा है, वह राजप्पा इतना शर्मिंदा है कि वह तुरंत नीचे जाता है और अपनी एल्बम को उठा कर लाता है और तुरंत नागराजन के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम रो मत, ये लो तुम मेरी एल्बम के पास रख लो, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और मैं सच में तुम्हें अपनी एल्बम सौंप रहा हूँ। पहला रहे हो यार, ये कौन बोलता है, नागराजन। नागराजन को जैसे यकीन नहीं था, भाई क्यों होगा यकीन, क्योंकि राजप्पा जो था वो अपनी एल्बम से बहुत प्रेम करता था, अपने एल्बम को ही सर्वोपरि मानता था। लेकिन नागराजन को ये नहीं पता था कि उसकी एल्बम को चुराने वाला ही राजप्पा है, और वह अपने आप पर शर्मिंदा होकर अपनी एल्बम को इसीलिए उसको सौंप रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। किसने कहा, राजप्पा ने नागराजन से। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, क्यों भर आया था, क्योंकि उसको अपनी एल्बम खो जाने का दुख था। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, इसने कहा। नागराजन ने राजप्पा से कहा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो है राजप्पा और नागराजन में आपस में बात हो रही है, भाई ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं इस एल्बम को रख लेता हूँ, लेकिन क्या मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए, नागराजन ने राजप्पा से पूछा। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, रोता क्यों है यार। तो देखिए यहाँ पर नागराजन जो है वो राजप्पा से पूछ रहा है कि भाई अगर तुम मुझे अपनी एल्बम देना चाहते हो, अपनी टिकट की एल्बम देना चाहते हो, तो मैं तो रख लूँगा, लेकिन तुम अपनी एल्बम के बिना, अपने टिकट के बिना क्या रह सकोगे। ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इसने कहा। राजप्पा ने नागराजन को कहा, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से, है चीखा और फूट फूट कर
रो दिया। तो देखिए यहाँ पर नागराजन को भी राजप्पा के दुख का एहसास है, महसूस हो रहा है उसको भी दुख कि ये लड़का मुझे अपनी एल्बम तो दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में भी अपनी एल्बम को खो जाने का भय है। तो वह क्या करता है, वह उसकी एल्बम को उन्हें उसे वापस देने की कोशिश करता है लेकिन राजप्पा अपनी एल्बम को उसे नहीं लेता है क्योंकि वह स्वयं अपनी एल्बम नागराजन को देना चाहता है। और यह कहता कहता कि तुम चले जाओ, जल्दी चले जाओ यहाँ से, वह फूट फूट कर रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऊपर कमरे में से उतरकर नीचे आ गए हैं सीढ़ियों के माध्यम से, और इतने में ही नागराजन कहता है कि ठीक है मैं अब अपने घर चलता हूँ। तो इतने में ही राजप्पा क्या बोलता है, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। किसको पुकारा, नागराजन को पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। देखिए यहाँ पर राजप्पा को भी अपनी गलती का एहसास भी है, वह अपनी चीज देना भी चाहता है राजन को, नागराजन को, लेकिन वह अपनी वस्तु से इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकता। उसे अपनी एल्बम की रह रहकर याद सता रही है और वह एक दिन का समय मांगता है कि आज रात तुम मेरी एल्बम को ही तो मैं इसे जी भरकर देखना चाहता हूँ, कल मैं तुम्हें इसे पुनः वापस कर दूंगा। देखिए नागराजन क्या कहता है, ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो यहाँ पर देखिए नागराजन जो है उसकी एल्बम को उसे दे जाता है केवल एक दिन के लिए, और राजप्पा तुरंत अपनी एल्बम को लेकर अपने कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और उस एल्बम को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। देखिए बच्चों यहाँ पर इस पार्ट को, इस कहानी को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, इसको करने के बाद हमें इतना पछतावा हो कि हम अपनी प्रिय वस्तु भी दूसरों को दे दें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को कम से कम 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है। बच्चों इसके जो नोट्स हैं हम आपको अगली वीडियो में इसके अगला भाग पढ़ाएंगे आपको, और विद्यालय द्वारा आपको इस पार्ट के नोट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।